हे गाइस, कैसे हो आप सब? सो गाइस, फाइनली बीजेएमआई का न्यू सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। इधर आप देख पा रहे गेम ओपन हो रहा है और देखते क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो इधर आप देख पर इसको हम लोग काट देते हैं और उसके बाद आप देख पा रहे हो कि हम लोग का ये देखो। सबसे पहले मैं कल ही बोल दिया था कि हम लोग को टाइटल और जो नेम टैग है और टीम इफेक्ट वो मिलने वाला है। इधर आप देखो C4S10S का टाइटल मुझे मिल चुका है क्योंकि मैं एस तक गया था। अगर आप कॉन्करर गए थे तो कॉन्करर का मिल जाएगा और अगर आप बोल सकते एस मास्टर गया था तो एस मास्टर एंड डोमिनेटर का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग काट देते हैं और उसके बाद आप देख पा रहे फाइनली हम लोग का C4S11 आ चुका है। तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं और इधर आप देख पा रहे हैं लिटरली 10 महीना बाद जाके हम लोग का न्यू सीजन स्टार्ट हुआ। इससे पहले भी सीजन आता था बट आपको पता ही है कि वो रिपीटेड वाला आता था। और कुछ बंदे कल पूछ रहे थे कि भाई जो C4S8 C4S9 उसका रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं। तो जी नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला, जस्ट C4S10 का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला, बाकी सब सबका सब वेस्ट ही है। ठीक है, तो इधर आप देख पा रहे हम लोग यस में क्लिक करते हैं। ओके, इधर आप देख पा रहे मैं एस तक गया था, इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। इधर आप देख पाए टोटल हम लोग को 4 चीज़ मिल चुका है। सबसे पहले आप देख पाए C4S10 नेम टैग, उसके बाद आप देख पाए टाइटल मिल चुका है, ये आप लोग को पॉइंट मिल चुका है और उसके बाद हम लोग को टीम इफेक्ट मिल चुका है एस वाला। ठीक है, इसको हम लोग ओके करते हैं और इधर आप देखो सब लिंक दिखाई दे रहा है TPP का और ये हम लोग का रीसेट होकर आ चुका है Plat 2 में। तो इसमें हम लोग यस करेंगे और ये हम मैं तो रिकॉर्ड आपको दिखा दिया था कौन सा होने वाला C4S11 का। उसके बाद हम लोग आर न्यू जर्नी में क्लिक करते हैं। तो इधर आप देखो रिटर्न मैच पर आपको दिखाई दे, ये एक्चुअली जो हम लोग का रिटर्न इवेंट चल रहा है ना उसी लिए दिख रहा है। और दिल्ली का पहला मैच आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा और आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा क्राउन 1 या उससे नीचे रहोगे तो, और उसके साथ साथ आपको कुछ क्लेम्स रिवॉर्ड मिल जाएगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। सबसे पहले आप देखो न्यू सीजन का टाइम पीरियड आपको दिखाई दे रहा है 2 जून से लेकर 21 अगस्त तक ये इवेंट चलने वाला है। तो 21 अगस्त के पहले कुछ दिन या 21 अगस्त को आपको मोस्ट प्रॉबली A1 रॉयल पास देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसी टाइम हम लोग का मोस्ट प्रॉबली नेक्स्ट वर्जन आ सकता है। अभी देखो वो टाइम आने से पता चलेगा, बट अगर हम लोग ये सीजन का देख के चले तो आप पकड़ के चलो कि भाई अगस्त मंथ में, जैसे कि मैं आपको बोला था कि अगस्त मंथ तक हम लोग 3 महीना भी कंप्लीट हो जाएगा ये गेम का, तो उसके बाद हम लोग को अप्रूवल मिलेगा कि नहीं वो पता चल जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है जून जुलाई अगस्त, ठीक है, ये 3 महीना हम लोग का एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा है गेम का। तो ये 3 महीना अगर अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद आपको न्यू जो रॉयल बोल सकते वर्जन दिखेगा उसमें आपको A1 सीरीज का रॉयल पास देखने को मिल जाएगा और उसके साथ साथ न्यू वर्जन का आपको आइटम दिखाई देगा। फिलहाल के लिए अभी आपको इसलिए न्यू मोड नहीं दिख रहा, मैं पहले ही बता दिया था कि आज आपको कोई भी न्यू मोड देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ, इधर आप देखो कोई भी न्यू मोड नहीं है क्योंकि ये जो बोल सकते हो वर्जन है ना, ये बोल सकते हो केवल एक टेस्टिंग वर्जन है जिसके चलते कुछ बेसिक बेसिक चेंजेस और कुछ न्यू मैप्स आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ आपको गेम में नहीं देखने को मिल रहा। अगर ये चीज़ अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपको न्यू चीज़ आपको नेक्स्ट वर्जन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो न्यू सीज़न स्टार्ट हो रहा है उसके बाद आपको एक न्यू चीज़ ये सीजन में देखने को मिल रहा है। BGMI यूज़र के लिए एकदम न्यू चीज़ है, पूरे डिटेल में समझाऊंगा। PUBG यूज़र के लिए न्यू नहीं है क्योंकि जैसे हम लोग का BGMI सस्पेंड हुआ था उसके बाद ही ये चीज़ गेम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, सेटिंग एंड टीयर गोल। ठीक है, अब ये एक बेहतरीन चीज़ इसलिए बन जाता है क्योंकि आपको पता है कि ये जो सीजन है 2 महीने के लिए चलेगा और आपको एक काइंड ऑफ आइडिया है कि कितना दूर तक आप रैंक पुश कर सकते हो। तो आपको जब पता ही है कि आप कितना दूर तक रैंक पुश कर सकते हो तो आप एक गोल सेट कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे गोल सेट करोगे ना तो उस हिसाब से अगर आप गोल में अचीव कर लेते हो ये 2 महीना में तो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। लाइक आप देख पा रहे हो कि पिछले बार मैं S4 तक गया था, ठीक है, अब S4 तक गया था तो इस बार भी मैं S4 तक रख सकता और नहीं तो मैं सोचूंगा कि इस बार मेरा गेम आ चुका है तो मैं और भी आगे जा सकता हूँ, लाइक S5 में या आप बोल सकते हो S मास्टर तक मैं पहुँच सकता हूँ, नहीं तो और भी आगे जा सकता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे डोमिनेटर और कॉन्करर तक भी मैं जा सकता हूँ। तो ये मेरा ऊपर डिपेंड है, तो मैं सोचता हूँ कि इस बार मुझे शायद तो लगता है, मेरे को फील हो रहा है कि मैं एस मास्टर तक पहुँच जाऊँगा। उतना भी ज़्यादा मैं नहीं खेलता हूँ, मैं थोड़ा खेल लूँगा क्योंकि रॉयल पास भी M22 भी आने वाला बीच में, तो ये इसलिए मैं ये एस मास्टर में सेट करूँगा। अब जब एस मास्टर आप जब सेट करोगे ना तो आपको इंस्टेंट जैसे आप सेट करोगे तुरंत 50 पॉइंट मिल जाएगा सीजन टोकन उसका। जैसे मैं एस मास्टर का 4700 ट्रॉफी पहुंच जाऊंगा तो उस टाइम मुझे इंस्टेंट 2 क्लासिक कूपन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो मैं गोल सेट किया उसको मैं अगर 2 महीना में अचीव कर लेता हूं तो मुझे
वो जो कूपन्स है वो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मेरा जो सबसे हाईएस्ट टीयर है तो इससे नीचे हम लोग सेट नहीं कर सकते, बट अगर आप कोई न्यू आईडी में जाते हो तो आपको दिखेगा कि नीचे का भी बहुत सारा टीयर है। जितना नीचे आप गोल सेट करोगे ना उतना कम मतलब अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। इधर आप देख पर हम लोग का भी क्लासिक कूपन मिल, बट अगर मैं कॉन्करर रखूंगा तो इधर आप देख पर प्रीमियम कूपन में कन्वर्ट हो चुका है। और इधर आप देख पर अगर मैं एज डोमिनेटर का 15+ कर देता हूँ तो मुझे एक प्रीमियम कूपन मिलेगा। अकॉर्डिंगली आप देखो रिवॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे आप थोड़ा नीचे चलते जाओगे तो आपका जो रिवॉर्ड का जो क्वालिटी है ना वो घटते जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है इजीली आप एस या एस मास्टर कर सकते हो सेट। उसके बाद इसको कभी भी आप इसको हटा भी सकते हो, ऐसे नहीं कि भाई आप एक बार गोल सेट कर दिए तो आप कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अगर आप क्वेश्चन मार्क में क्लिक करोगे तो इसमें लिखा हुआ आफ्टर द न्यू सीजन स्टार्ट प्लेयर विल बी एबल टू सेट टीयर गोल ऑन द सीजन स्क्रीन, द टीयर गोल कैन बी चेंज आफ्टर इट इज सेट। तो जैसे ही आप एक बार सेट कर देते हो तो उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा सा ज़्यादा खेल लूँगा, तो उस टाइम आप वापस से इसको सेट कर सकते हो। कभी कभी होता है कि आपको टाइम नहीं मिला, आपने गोल बहुत ज़्यादा बड़ा रख दिया है, तो उसको आप नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप सेट कभी भी नहीं कर सकते। तो चलो मैं एस मास्टर करके सेट करके रखता हूँ, मैं देख लूँगा कि अगर मैं एस 5 तक पहुँच जाऊँगा तो मैं इसको और भी थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ टाइम के हिसाब से, बट फिलहाल के लिए आप देख पा रहे मैं एस मास्टर ही सेट करता हूँ। चलो सेट में क्लिक करते हैं। ओके, इधर आप देखो 50 पॉइंट हम लोग को मिल चुका है, और इसके बाद आप देख पा रहे अभी 0% है, क्योंकि मैं अभी तक एक भी मैच नहीं खेला। इसमें परसेंटेज दिखते रहेगा, जैसे जैसे आप रैंक अप करते जाओगे ना उस हिसाब से आपको इसे परसेंटेज दिखते जाएगा। ठीक है, इसको आप कभी भी सेट कर सकते हो। ठीक है, इसको बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, आपको जो चाहिए उसमें आप सेट कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप देखो टीयर रिवॉर्ड हम लोग आते हैं, तो इधर आप देख पा रहे ब्रॉन्ज टीयर में हम लोग को सप्लाई कूपन मिलने वाला, सिल्वर टीयर में हम लोग देख पा रहे क्लासिक कूपन मिलने वाला, गोल्ड टीयर में मुझे ये आउटफिट मिलेगा, बट मुझे गोल्ड टीयर में टॉप 10 आना है 5 मैच में, तब जाके मुझे आउटफिट रिडीम करने का मौका मिलेगा। प्लैटिनम में आप देख पर ये ग्लास मिल जाएगा, उसके बाद आप देखो डायमंड टीयर में हम लोग एक ग्रोजा का स्किन मिल जाएगा जो कि मैं आपको दिखा दिया था, क्राउन टीयर में आप देखो ये मिल जाएगा, उसके साथ साथ एस टीयर में आपको मार्क्स मिल जाएगा, उसके बाद एस मास्टर में कैप मिल जाएगा, और एस डोमिनेटर में ये अवतार, और कॉन्करर में तो आपको इस बार फ्रेम मिल जाएगा। जी हाँ, इस बार आपको कॉन्करर फ्रेम मिल जाएगा, तो अभी स्टार्ट हो सकते हो। 6 घंटे का ही लिमिट है केवल, तो लॉबी में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सेंस नहीं बनता, आते साथ आप मैच स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो 6 घंटा से ज़्यादा आप खेल नहीं पाओगे ये रैंक अप करने के लिए। उसके साथ साथ आप देख पाए नया पैराशूट आ चुका है C4S11 का, और इसको भी आप रिडीम कर सकते हो। और हम लोग का जो सिल्वर है ये बोल सकते हो रिसेट हो चुका है, तो इसको आप आराम से 2000 सिल्वर इधर से निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, ऐसे करके आप 2000 सिल्वर निकाल लो इधर से, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी एक्सूट का स्पिन आने वाला है, उसमें आप 1500 सिल्वर से आप स्पिन कर पाओगे फ्री में। ठीक है, और उसके बाद अभी हम लोग आते हैं आखिरी चीज़ में, वो है साइकिल पर में क्लिक करते हैं, और इधर आप देखो साइकिल स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है, बट इस बार आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, वो है साइकिल रिवॉर्ड। जी हाँ, एक चीज़ अच्छा ये है ना कि आपको साइकिल रिवॉर्ड का कोई भी आइटम मिस नहीं करना पड़ेगा। पिछले बार भी बहुत बंदे ये वाला ले चुके थे, मैं नहीं खेला था लास्ट में जाके तो ये ले चुके थे, बट इस बार भी आप देख पर ये बेहतरीन सा होवरबोर्ड, ये बेहतरीन सा आउटफिट आप ले पाओगे। जैसे कि आप देख पाए C4S11 में जस्ट मतलब ये सीजन में मुझे डायमंड लीग पहुंचूंगा तो मुझे सेकंड वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ये हेडगियर हम लोग को मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन आउटफिट है। उसके बाद आप देख पा रहे इस बार मैं अगर क्राउन तक पहुंचता तो सेकंड वाला कंप्लीट होगा, और ये आप देख पा रहे ये हम लोग का आउटफिट मिल जाएगा, ये डाउनलोड नहीं हुआ है, नहीं पता क्या हुआ। हाँ, इधर आप देख पा रहे डाउनलोड हो चुका है, ये वाला हम लोग का आउटफिट मिल जाएगा, बट अभी नहीं मिलेगा, ये तभी मिलेगा गेम अगर अप्रूव होता है 3 महीने के बाद। और उसके बाद आप देख पा रहे कि आप आखिरी वाला जो चीज़ है आपको दिखाई दे रहा है, केस जैसे पहुँचोगे तब सेकंड वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये देख पा रही बहुत ही बेहतरीन होवरबोर्ड आपको फ्री में मिल जाएगा। ये चीज़ भी आप सितंबर या अगस्त जैसे नया सीजन स्टार्ट होगा तो उस टाइम आप ले पाओगे एस पहुंच के। ठीक है, होपफुली वो पूरा चीज़ पता चल गया, क्या न्यू चेंजेस हम आपको बता दिया। तो चलो इतना रखते हैं वीडियो को, बाकी कोई इवेंट उवेंट आया है नहीं ये कलेक्ट कर लेते। ओके, और एक चीज़ है कि कल मुझे क्राफ्टन ने बोल सकते रॉयल पास दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं इसको कलेक्ट कर चुका था टूर्नामेंट के पहले, इधर आप देख पर ये सब मिला है, और यूसी भी कुछ अमाउंट में मिला है मेरे को, और एक रूम कार्ड भी मिला है 30 डेज का। ठीक है, थैंक यू सो मच क्राफ्टन फॉर गिविंग दिस वंडरफुल गिफ्ट। चलो इतना रखते हैं वीडियो को, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।